找。नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। रुख करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में जन समस्याएं सुनी। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं के जल्द निराकरण के लिए समस्या या शिकायत जिस विभाग से संबंधित है जल्द उस विभाग को भेजकर उस पर की गई कार्रवाई भी कर जानकारी ली जाए। और साथ ही सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस समस्या का समाधान थाना, तहसील एवं जिला स्तर पर हो सकता है वे समस्याएं अनावश्यक रूप से शासन स्तर पर न जाएं। और साथ ही इस प्रकार की शिकायतें आने पर उन्होंने संबोधित अधिकारियों के जिम्मेदारी तय करने के भी निर्देश दिए। और साथ ही सीएम के समक्ष लोगों ने स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और आर्थिक सहायता, विद्युत, जमीन से संबंधित मामलों और अन्य समस्याएं रखी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को बौद्ध मठ क्लेमन टाउन में पीएम मोदी की मन की बात का 111वां संस्करण सुना। और मन की बात कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की बात कही और विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई। सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि इस मॉनसून सीजन में अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान अवश्य दें। अल्मोड़ा पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने विकास योजनाओं की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अधिकारियों को समय रहते गुणवत्तापूर्वक काम करने के निर्देश दिए। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि कैंची धाम के लिए टनल और बाईपास की डीपीआर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। डीपीआर बनने के बाद इसे तत्काल स्वीकृत किया जाएगा। और जबकि अल्मोड़ा में बाईपास बनाने के साथ अल्मोड़ा लोकसभा के सड़कों पर काम किया जाएगा और कुमाऊं के चार धाम और साथ ही मानस खंड के सर्किट जोड़ने वाले धार्मिक स्थलों के सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। और हमारे कनेक्टिविटी जो हमारी हल्द्वानी के साथ अल्मोड़ा के साथ है, इस कनेक्टिविटी के लिए भी मैंने रिव्यू लिया है। कैची और के पास जो जाम लग रहा है उसमें टनल और बाईपास दोनों का हमने डीपीआर तैयार करा रहे हैं, हम उसको तुरंत तत्काल स्वीकृत कर देंगे। और अल्मोड़ा, चूंकि अभी अल्मोड़ा के लिए हमने एक नया प्लान सोचा है क्योंकि अल्मोड़ा का बाईपास हमको करना पड़ेगा, साथ में हमको अल्मोड़ा के लिए जो हमारा खैरना से अल्मोड़ा है और अल्मोड़ा से रानीखेत, रानीखेत से दौराहाट चकुटिया होते हुए पांडव खाल तक ये हमारी डीपीआर तैयार हो गई, इसको हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। ज्योलीकोट से लेकर के भवाली होते हुए जो ये रोड भी सकरा है, इस रोड की भी हमारी डीपीआर तैयार है, इसको भी हम बहुत जल्दी स्वीकृत करेंगे। और इसमें लोहाघाट, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, इसको बाईपास अल्मोड़ा, इसको हम बाईपास चाहे वो टनल। उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने मुख्यमंत्री के अधीन आपदा विभाग में हो रहे गड़बड़ झाले को लेकर बयानबाजी जारी कर चिंता व्यक्त की है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदा विभाग में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वयं के विभाग में एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं। हाल ही
में आपदा विभाग के सभी महत्वपूर्ण पद खाली हो चुके हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बात इस्तीफों तक ही सीमित नहीं, मामला उससे भी अधिक गंभीर है। आपदा विभाग से इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को विभाग के सचिव रणजीत सिन्हा की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है और भेजे गए नोटिस में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। देखिए, अभी मॉनसून आहट दे चुका है और डेंगू का प्रकोप भी मॉनसून के दौरान होता है। सड़कों की ऐसी दुर्दशा है कि अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं और वैसे भी भौगोलिक विषमताओं वाला हमारा प्रदेश है, इसमें आपदा के साथ हमारा चोली दामन का साथ है। तो आपदा विभाग बहुत महत्वपूर्ण रखता है प्रदेश के नजरिए से भी, और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग है। ऐसे में सूत्रों से जो खबर मिल रही है वो ठीक ठाक नहीं मिल रही है कि आपदा विभाग स्वयं आपदाग्रस्त हो गया है, ऐसी खबरें मिल रही है। उत्तराखंड में बरसात का मौसम शुरू हो चुका है जिसके चलते बरसात के कारण लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ जाती हैं। वहीं लैंडस्लाइड के खतरों के मद्देनजर लोक निर्माण विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इस बात पर लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने कहा कि ऐसी स्थिति पैदा ना हो और इसके लिए सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि लैंडस्लाइड संभावित रास्तों पर मशीनों को बैकअप में रखा गया है और आपदा की स्थिति के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहाड़ में देखिए, कुछ क्रॉनिक लैंडस्लाइड एरियाज हैं जहां पे हम लोग हमेशा मशीनें अपनी प्लेस करते हैं जिससे कि या जो आवागमन है ज्यादा टाइम तक के लिए बाधित नहीं हो बारिश की वजह से। कुछ नए एरियाज डेवलप होते हैं जिनके लिए हमको फिर आसपास से मशीन मोबिलाइज करनी होती है। हमारा एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम बनाया हुआ है, तकरीबन पूरे प्रदेश में 400 के आसपास मशीन हम लोग डिप्लॉय करते हैं। कुछ विभागीय मशीन होती हैं, कुछ हम लोग जिले लेवल पे प्रोक्योर करते हैं, हायर करते हैं। कुछ हमारे कॉन्ट्रैक्ट सड़कें जो हैं जो कॉन्ट्रैक्टर के रख रखाव में हैं, डीएलपी में हैं, तो उसमें उन कॉन्ट्रैक्टर्स को हम लोग डायरेक्शन देते हैं कि वो लोग अपनी मशीनें लगाएं। और जहां पे भी इस तरह की स्थिति आती है, कहीं पे अगर रुकावट आती है कहीं पे, दस जुलाई को उत्तराखंड के बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीट के लिए मतदान होने वाला है जिसे लेकर उत्तराखंड निर्वाचन विभाग अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। वहीं निर्वाचन विभाग ने दोनों विधानसभा सीटों के मतदाताओं की सूची तैयार कर ली है जिसे लेकर उत्तराखंड के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट में कुल 1,02,145 मतदाता पाए हैं और साथ ही जिसमें 49,658 महिला मतदाता हैं और 52,485 पुरुष मतदाता हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि मंगलोर विधानसभा में कुल 1,19,930 मतदाता हैं जिनमें 26 ट्रांसजेंडर हैं। खबर गदरपुर से है जहां बरसात के जल की निकासी के लिए 189 लाख के स्वीकृति से नाले का शिलान्यास विधायक अरविंद पांडे ने किया और इस दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूर्व मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी का जिन्होंने रुद्रपुर में सिडकुल का स्थापना की थी और साथ ही जिसके बदौलत कई आसपास के क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिला और क्षेत्र में विकास हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में जहरीले कीड़े मकोड़े बाहर आ जाते हैं और इनके संपर्क में आने पर जनहानि हो सकती है जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर अति शीघ्र जयनगर में नाली निर्माण के लिए कहा गया। मुख्यमंत्री ने मेरी बात सुनकर तुरंत उक्त नाली निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी है। मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद देता हूं। इसमें जयनगर वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 4 में जो योजनाएं हैं 94.45 और 94.15 की, टोटल दोनों की कॉस्ट मिला के 189.55 लाख की है, जिसमें जो नाले जल भराव को निकासी के लिए
नाले कागर से नदी में और उसमें डालने का प्राविधान है। जयनगर गांव किसी जमाने से बहुत पिछड़ा हुआ इलाका होता था, लेकिन छिटकुल होने की वजह से, और ये मैं धन्यवाद दूंगा स्वर्गीय पंडित नरेंद्र तिवारी जी को, जिनके आशीर्वाद से छिटकुल बना, हजारों लोगों का रोजगार मिला और जिनकी वजह से हमारे किसानों की जमीनें उमीनें महंगी हुई। आज जयनगर इलाका सबसे पीछे होता था, आज इसकी वजह से ये इलाका काफ़ी महंगा हो गया और हमारे किसानों की जमीनों की वैल्यू बढ़ी और यहाँ कॉलोनी कटने लग गई। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, बे इंतहा इसका अनियंत्रित विकास हो गया, अनियंत्रित इतनी कॉलोनियाँ कटी, लेकिन कॉलोनी कटने के साथ साथ डेवलपमेंट इसका नहीं हुआ। T20 विश्व कप में भारत की शानदार जीत के बाद कई जगहों पर देर रात आतिशबाजी और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर लोगों ने खुशियां मनाई और कई लोग धार्मिक स्थल पर पहुंचे। वहीं कई युवकों ने धार्मिक नारे लगाए। वहीं उपद्रवियों ने बाजार में युवकों पर बंदूक तानकर जमकर मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया और जिसके बाद नगर के लोगों ने कोतवाली पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है और साथ ही SSP को ज्ञापन भी सौंपा गया है। ये संज्ञान में आया है कि कल जब क्रिकेट मैच खत्म हुआ उसके बाद में कुछ तीन चार लोग एक दो बाइक में आके कुछ दो तीन लोगों के साथ मारपीट की है, किसी को कुछ डराया धमकाया है। तो जैसी इनके द्वारा तहरीर दी जा रही है उनको तहरीर के आधार में FIR दर्ज कर रहे हैं और जिन्होंने भी ये घटनाएं की है रात को, जो भी ये बदमाशी की है, NH 534 पर कोटद्वार दुगडड्डा में बीच भारी बारिश के बाद पहाड़ी से आए मलबे में शनिवार शाम को एक मैक्स दब गई थी जिसमें सवार लापता चल रहे थे और साथ ही एक यात्री का शव SDRF और पुलिस ने रविवार को बरामद कर लिया। शव की पहचान यूपी के बिजनौर निवासी असलम के रूप में हुई। शनिवार शाम को कोटद्वार से पुले जा रही मैक्स भारी बारिश के दौरान पहाड़ों से 5वें मील के पास मलबा गिर गया था जिसमें 5 लोग सवार थे जबकि एक लापता था। ये 8 आदमी थे मैक्स में, मलबे के नीचे दब गए थे। वाहन जो था नीचे खाई में पहुंच गया था तो हम लोगों ने तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए मौके पे स्थानीय पुलिस आई थी और इसमें से 3 आदमियों को उस समय रेस्क्यू किया गया था। 5 आदमी स्वयं बाहर निकल गए थे, 1 आदमी की मिसिंग की सूचना थी। तो रात भर से सर्चिंग अभियान चला उस पर, फिर अभी मौके पर अभी हाल में ही SDRF और स्थानीय पुलिस की मदद से एक व्यक्ति को हमने निकाला है। मरने वाले का नाम मृत अफसम है, मरने वाले का नाम असलम है। प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। 28 जून से प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक दी है जिसके चलते प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई। वहीं इस बात पर देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम इसी तरह बारिश का रहने वाला है और साथ ही उन्होंने कहा कि 5 जुलाई तक प्रदेश में पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में बारिश का मौसम रहेगा जिसमें हल्के से मध्यम बारिश और कहीं पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है और साथ में पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ी मार्गों पर लैंडस्लाइड भी देखने को मिल सकता है और इसलिए यात्रा करते समय सावधानी जरूर बरतें। तीस तारीख से अगर देख रहे हैं तो जो बारिश में वो वृद्धि होगी तो उसमें 30 से लेके और अगले 3-4 तारीख तक भी देख रहे हैं, 5 तारीख तक भी, तो अच्छी बारिश पूरे प्रदेश में ही रहने वाली है। ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम है और इसके साथ साथ भारी से बहुत भारी वर्षा भी जो है हिल्स में खासकर और जो हमारे मैदानी क्षेत्रों से लगे डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो है या एकादुक्का जगहों प्लेन्स में भी वो भारी वर्षा देखने को मिलने वाली है या बहुत भारी वर्षा जो है जो मिड हिल वाले डिस्ट्रिक्ट हमारे प्लेन्स से लगे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं या अंदर के भी जो जैसे बागेश्वर पिथौरागढ़ है तो इनमें वेरी हैवी रेंस जो है आप देखेंगे 30 से लेके 4-5 तारीख तक दिन में बीच बीच में वो मिलती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं अब जो मॉनसून है वो ऑलरेडी डिक्लेयर करा गया, 27 तारीख को यहाँ पहुँच गया था
और 28 में पूरे उत्तराखंड को ही कवर भी कर लिया था। तो अच्छी बारिश मिल रही है और आगे इसके और बढ़ने की संभावना है। 5 से 6 दिन अगर बात करें कल से लेकर के। जनपद हरिद्वार में किसानों के वरिष्ठ नेता चंद्रपाल बालियान का देहांत हो गया। किसान नेता के देहांत के बाद बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, भाजपा जिलाध्यक्ष समेत मंगलोर उपचुनाव के लिए घोषित प्रत्याशी करतार सिंह बडाना ने भी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे और पूर्व कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद ने कहा कि किसान नेता अब हमारे बीच नहीं रहे और किसानों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और किसान के हक के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। वहीं करतार सिंह बडाना ने कहा कि किसान नेता चंद्रपाल बलियान जी किसानों के सच्चे हितैषी थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों के हक के लिए निछावर कर दिया। किसान के बेटे हैं, किसान जिनने किसान नेताओं के लिए किसानों के लिए जो काम किए हैं तो वो तो एक महान व्यक्तित्व थे। यहाँ तो आज इस दुख की घड़ी में उनको श्रद्धांजलि देने परमात्मा से प्रार्थना करने आए हैं कि उनको अपनी चरणों में जगह दे। और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में कई सौ किसान नेता यहाँ पर पैदा हुए हैं और हकीकत में आज मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और आज इस दुख की घड़ी में पूरा भारत जनता पार्टी का समाज हम सब लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल। मंगलोर में किसान नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए सभा का आयोजन किया गया जिसमें भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और बीजेपी पर जमकर बरसे। टिकैत ने कहा कि मंगलोर के किसान स्वतंत्र हैं, उन्हें अधिकार है कि वे अपने मत का प्रयोग किसी भी दल के नेता को चुनने के लिए करें, लेकिन उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसान विरोधी है। टिकैत ने कहा कि किसानों को ये सोचना होगा कि किस सरकार में सैकड़ों किसान शहीद हुए। किसानों को ऐसी पार्टी से दूर रहना चाहिए और उनके बीच आए हुए कैंडिडेट से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि किसान उनको वोट क्यों दे। जो चुनाव यहाँ पे कैंडिडेट आए उससे तो 750 किसान शहीद हुए, उसका हिसाब किताब लेना चाहिए। बीमारी पार्टी से तो बचे और फिर अपना वोट जहां जिसको देना अपना दे ले। लेकिन 750 किसान शहीद हुए, MSP गारंटी कानून है, 15 साल पुराना ट्रैक्टर है, ये जरूर पूछ ले। ठीक है, ये जरूर पूछ लेना चाहिए। बिजली का इशू है वे पूछ ले। मंगलोर क्षेत्र को मांगे अपील किया तो बेईमान सरकार से बगल रहना चाहिए भाई, उनसे बगल रहना चाहिए। जो चुनाव के टाइम पे उस पर आते हैं लोग, जो सरकारें हैं मौजूदा, हाँ चाहे वो केंद्र की सरकारें हो या कोई सी हो, वो खतरनाक हैं किसान के लिए, गांव के लिए। कार्बन उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए देहरादून के वन मुख्यालय में विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें कई समूहों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इसको लेकर उत्तराखंड वन विभाग के हाफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कार्बन की उत्पादकता को कम करना है जो प्रकृति रूप से वन प्रबंधन और कृषि प्रबंधन से हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज के लोगों ने कार्यशाला में लंबा व्याख्यान दिया और सभी अधिकारी उससे जुड़े और जिससे क्लाइमेट चेंज की पहल में हमारा योगदान और अधिक बढ़ सके। देखिए आज जो वर्कशॉप था ये पूरे देश में इस तरह की वर्कशॉप हो रही है सारे राज्यों में और ये बेसिकली नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पे वर्कशॉप थी। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि जो हमें जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करने की तरफ जो कदम है उसमें से कुछ कदम है जो कि प्रकृति आधारित है। जैसे एक तो होता है कि हम अपना आपका फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करें,
कावड़ यात्रा 23 जुलाई से शुरू हो रही है, जिसकी तैयारी को लेकर एसपी देहात लोकजीत सिंह ने अलर्ट नजर आ रहे हैं। एसपी लोकजीत सिंह ऋषिकेश के चारधाम यात्रा पंजीकरण कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अधीनस्थ और अधिकारियों के साथ बैठक कर कावड़ यात्रा की तैयारी को लेकर चर्चा की और बैठक में कई अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। अधिकारियों के साथ बैठक की 23 जुलाई से शुरू हो रही कावड़ यात्रा ऋषिकेश की तस्वीरें हैं। तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहे हैं और अधिकारियों के साथ बैठक की गई और साथ ही 23 जुलाई से शुरू हो रही कावड़ यात्रा जिसको देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जिसको देखते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। आगामी कांवड़ मेले को लेकर आज यहाँ पर ऋषिकेश क्षेत्र में हमने मीटिंग ली है। इसमें कितने जोन रहेंगे, कितने सेक्टर रहेंगे, क्या क्या पार्किंग व्यवस्था रहेगी और भंडारों की क्या व्यवस्था रहेगी, इन सब चीज़ों को लेकर हमने एक बारीकी से मीटिंग की है। और अभी इसमें हम लोग फोर्स को कैसे डिप्लॉय करेंगे, कैसे उसकी डिमांड करेंगे, कितना फोर्स हमें चाहिए, उसकी भी समीक्षा हमारे द्वारा की। सर, अभी तक कुछ इसमें निर्णय लिया गया है कि कैसे कैसे इसमें व्यवस्था बनेगी, कहाँ पार्किंग होगी, कम निरीक्षण होगी, कुछ है इसमें अपडेट सर? हाँ, देखिए, जो पिछली व्यवस्था थी, जो पार्किंग व्यवस्था थी, आईडीपीएल क्षेत्र में पार्किंग व्यवस्था थी और इस बार हमने खानगांव को भी विकसित किया है, तो वहाँ भी हम उसमें पार्किंग की सर। NH-58 पर बागवान ड्यूटी पर नियुक्त होमगार्ड पूर्ण सिंह ने सूचना दी कि बागवान के पास दो वाहनों की टक्कर हो गई, जिसमें काफी लोग घायल हुए हैं। सूचना पर थानाध्यक्ष टीम के साथ बागवान घटनास्थल पर पहुंचे और यहां पर चौकी बागवान का फोर्स मौजूद रहा। पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि बोलेरो सवार ऋषिकेश से श्रीनगर की तरफ जा रहे थे, तभी बोलेरो और कार के आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें दोनों वाहनों में सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और छह अन्य लोग भी घायल हो गए और सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। इलाज के दौरान डॉक्टर ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। स्वास्थ्य विभाग के रेफरल रणनीति अपनाने को लेकर देहरादून के दून अस्पताल एक्टिव मोड पर काम करने की तैयारी में है और इस बात को लेकर दून अस्पताल में एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि अस्पताल में अगर किसी बीमारी के लिए सुविधा है तो किसी भी मरीज को उनके कहने के बावजूद भी दूसरे अस्पताल में रेफर नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नजदीक के दूसरे अस्पताल में अगर मरीज को रेफर किया जाता है तो उस अस्पताल से समन्वय बनाकर और दस्तावेजों पर किसी सीनियर डॉक्टर के साइन के बाद ही मरीज को रेफर किया जाएगा। देखिए, उसमें जो रेफरल नीति है इसके अंतर्गत एक तो मरीज को अनड्यू रेफर नहीं किया जा सकता। कई बार बहुत सारे मरीज अपनी डिमांड भी रखते हैं कि हमें रेफर कर दिया जाए, अगर वो सुविधा हमारे पास उपलब्ध है तो वो ऐसे में रेफर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सुविधा ना होना या डॉक्टर का उपलब्ध ना होना, उस केस में रेफर किया जा सकता है। ऐसे में जहाँ रेफर किया जा रहा है अगर वो उसी एरिया का अस्पताल है तो फिर ऐसे में एक समन्वय बनाकर ही कि वहाँ बेड और डॉक्टर्स अवेलेबल हैं तभी वो रेफर किया जाएगा और हमेशा सीनियर डॉक्टर कंसल्टेंट के साइन के साथ ही रेफर किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।